को व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर देखूं तो मुझे वो समय भी याद है कि कांग्रेस के लिए आपने तमाम पार्टियों से राजनीति के साथ जुड़कर राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस के लिए आपका एक बड़ा योगदान था। लेकिन तकलीफ होती है एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या आपको वाकई वो सम्मान दिया। वो एक समय मुझे याद आता है, मैं उस वक्त स्टूडियो में बैठकर बुलेटिन पढ़ रहा था और तब ये खबर आई थी। लेकिन अब उससे भी इतर आज भी आप कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं। जब बीजेपी के नेता स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, मठ मंदिर जाते हैं तो आप कहते हैं कि सब नौटंकी है। कांग्रेस की नेता कुंभ स्नान कर रही हैं और हक है, अधिकार है, उनको करना भी चाहिए। मंदिर में 40 मिनट जाकर वो ध्यान कर रही हैं, हक है उनका, अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन इससे क्या और संगम भी नहा रही हैं और संगम भी इससे बात कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है जी। आप मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूँ, शाहनवाज मेरे साथ नमाज पढ़ते हैं जुमे की, हर जुमे के अंदर। आस्था अपनी अपनी है, लेकिन जब आप आस्था को बाजार के अंदर राजनीति के लिए बेचने लगे तब गलत हो जाता है। तो ये कौन कर रहा है? अब कौन बेच रहा है? प्रियंका गांधी आज गई थी संगम पे नहाने के लिए, उनकी आस्था है। क्या उन्होंने एक बयान दिया कि मैं कांग्रेस के लिए आई हूँ, कांग्रेस को मजबूत कीजिए? उनकी तो बीजेपी के नेता भी जाते हैं मठ मंदिर और स्नान करने, तो वो भी नहीं बयान देते हैं कि मैं बीजेपी के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब का नारा लगाते हैं तो ऐसा कि जय श्री राम, राम को ऐसा लग रहा है बंदूक की गोली है दुश्मन को मारने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मतलब वो नारा लगा के गोली मार दे रहे हैं। मुझे बताइए, राजनीति में जय श्री राम के नारे का क्या मतलब है? वो तो कहते हैं भगवान का नाम ले रहे हैं। आपकी आस्था है, घर में लगाइए, उनकी मर्जी है, वो बाहर लगाएंगे। आप राजनीति अभी तो आप भगवान भगवान है, अभी तो आपके भगवान है, उनकी आस्था है। अभी आप कह रहे थे कि राजनीति के अंदर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों को नहीं करना चाहिए ना फिर तो। मैं नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों को नहीं करना चाहिए। नहीं, हम नहीं आप करें तो कहें आपकी आस्था है, वो करें तो कहें कि आपकी नौटंकी कर रहे हैं। कभी हमने कहा कि राम मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे वोट दी जाए? हमने हमेशा उन्होंने कहा, उनको तो सत्ता मिल गई, उन्होंने मंदिर भी बनवाना शुरू कर दिया। हमने देखिए, हामिद अंसारी साहब ने अपनी किताब में एक बात और लिखी है, शायद आपने नहीं पढ़ी जी। हामिद अंसारी साहब जब वाइस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने खुद मुझसे कहा, अंसारी साहब ने, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीधे हामिद अंसारी साहब से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, वापस चला जाऊँगा। मुस्लिम इश्यूज पे बात हुई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा जी। उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा प्रधानमंत्री से, उस वक्त के मुख्यमंत्री से, आप मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात करते? मोदी जी ने कहा, मैं मुसलमानों के लिए बहुत काम करता हूं, लेकिन मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि मेरी राजनीति को सूट नहीं करता। किताब उठा ली। तो ये तो ईमानदार बात है ना, उसका खुलासा मोदी जी ने उसका खुलासा चुपके से किया तो उसका खुलासा उन्होंने किताब से सार्वजनिक कर दिया, सबको पता चल गया। आपने ठीक कहा, मोदी जी की ये ईमानदारी थी। राशिद भाई की वो मुसलमान का नाम नहीं लेते चूंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता। क्या आप इसे जस्टिफाई करेंगे? और जो मुसलमान का नाम लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन पर पहला अधिकार उसी का है। नहीं, क्या इस देश के अंदर सिर्फ एक समुदाय का नाम लिया जाएगा चूंकि राजनीति को सूट करता है? और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मुझे आपसे भी शिकायत है, आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। कहां ये गलत सर, हम तो करते हैं, हमारा चैनल तो करता है। आप कीजिए, अभी भी कीजिए, अभी भी कीजिए, अभी भी करते हैं और बार बार करेंगे। सर देखिए, जो गलत है वो तो गलत कहेंगे ना, दुनिया कहेगी, हम भी कहेंगे। देखिए, अब आपने देखिए राजनीति की बात कह दी, अब देखिए एक और इसी में सवाल आ जाता है। आप दोनों मेरे दोस्त हैं और शायद ही किसी चैनल का ऐसा एंकर हो जो मेरा दोस्त ना, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ आप एंकरिंग कीजिए, बीच में बैठिए, दाएं बाएं मत बैठ। बिल्कुल सही बात, ईमानदारी के साथ जो गलत अलवी साहब को इधर बिठाते हैं, हम लोग बीच में बैठते हैं, यही सवाल पूछे। अच्छा, आज आपने मुझे बीच में बिठा दिया है।